सो गया था। चल अभी यूनिट नंबर वन स्टार्ट करते, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना। यूनिट नंबर वन का चैप्टर नंबर वन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेसिक डिफरेंस क्या बताया था कॉमर्स और इंडस्ट्री का मैंने? क्या करता कॉमर्स और क्या करती इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या करती? इंडस्ट्री प्रोडक्शन का काम करती है ना। मतलब इंडस्ट्री का कॉमन फंक्शन क्या है या प्राइमरी फंक्शन क्या है इंडस्ट्री का? तो इंडस्ट्री का प्राइमरी फंक्शन है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और फिर ये जो प्रोड्यूस हुई भी गुड्स और सर्विसेज है इनको ट्रेड करने का काम किसका है? तो कॉमर्स का है ना। देखो क्वेश्चन नंबर वन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स, 4 मार्क के लिए आएगा। तो कॉमर्स का मीनिंग बताना है आपको, बराबर है? कॉमर्स की डेफिनेशन है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन। तो बिजनेस के फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना। एक तो इंडस्ट्री है बिजनेस का फंक्शन, दूसरा है कॉमर्स। बिजनेस के कितने फंक्शन है? दो, इंडस्ट्री और कॉमर्स। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 4 मार्क के लिए। तो मैंने क्या बोला, 4 मार्क के लिए आपको कम से कम कितना लिखना है? 2 पेजेस लिखने हैं, आगे पीछे से 4 पेजेस लिखने हैं, बराबर है? तो इसमें आपको अगर पहला क्वेश्चन आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स एक्सप्लेन करनी है, तो उसका डिटेल मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे आप और डेफिनेशन। अब ये मीनिंग जो है मतलब उसका एक्सप्लेनेशन जो है, कॉमर्स किसको कहते हैं है ना, 4 मार्क के लिए। अब ये कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आई तो एक्सप्लेनेशन भी आप कर सकते, उस कॉन्सेप्ट को खींच सकते, एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे क्या है, एबिलिटी टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ये तुम्हारा एडॉप्ट कराया, ये जो स्किल है वो एडॉप्ट करना है अभी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है? यहाँ पे ऐसा बिल्कुल लिखते जाना है, लिखते जाना है, हाथ नहीं रुकने को ना। देखो मीनिंग ऑफ कॉमर्स और मीनिंग ऑफ बिजनेस। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कॉमर्स। पहला पार्ट क्या है? कॉमर्स। इंडस्ट्री इज कॉन्सर्न अबाउट द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फर्दर प्रोडक्शन। इंडस्ट्री का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इंडस्ट्री क्या करती? तो इंडस्ट्री करती कि भाई प्रोडक्शन कैसे होगा और प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्शन जो है वो कैसे करना है, जो प्रोडक्ट कंज्यूमर कंज्यूम कर सके, फाइनल कंज्यूमर जो है कंज्यूम कर सके, ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, है ना। इन चीजों से डील करने का काम है इंडस्ट्री का। ये हमने कल भी डिस्कस किया, ये मैं आपको वापिस आज भी बता रहा हूँ। इंडस्ट्री का प्राइमरी फंक्शन वही है कि प्रोडक्शन कैसे होगा। अब प्रोडक्शन के लिए मतलब फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, किसको लेना देना है उससे? इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। तो कौन डील करेगा रॉ मटेरियल में? इंडस्ट्री डील करेगी, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। मशीनरी में डील कौन करेगा? इंडस्ट्री का काम है, इंडस्ट्री का फंक्शन है मशीनरी में डील करना, क्योंकि किस प्रोडक्शन के लिए किस टाइप की मशीनरी चाहिए किसको पता है? इंडस्ट्री को पता है, इंडस्ट्री डील करेगी, बराबर है? तो प्रोडक्शन से रिलेटेड सभी फंक्शंस या प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमने वाले सभी फंक्शंस से कौन डील करता है? इंडस्ट्री डील करती है ना। इंडस्ट्री इज कॉन्सर्न अबाउट द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फर्दर प्रोडक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग 2 पर्पज से होती, पहला पर्पज है कि फाइनली कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम करना है, दूसरा कि ये प्रोडक्शन कंप्लीट होगा तो हम फर्दर प्रोडक्शन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? पहला प्रोडक्शन कंप्लीट होगा तो हम दूसरे प्रोडक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो 2 पर्पज से प्रोडक्शन किया जाता है, एक कंज्यूमर ने कंज्यूम करना चाहिए उसके कंजम्पशन के लिए, दूसरा पर्पज है कि एक प्रोडक्शन कंप्लीट करके इंडस्ट्री को दूसरे प्रोडक्शन की ओर बढ़ना होता है ना, फर्दर प्रोडक्शन। एंड देन इट इज इम्पोर्टेंट दैट द राइट गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्राइस। कितनी चीजें सही होना, तो इतनी चीजें सही होना। पहली बात तो आपके पास आपके जो गुड्स है वो राइट गुड्स, मतलब जो गुड्स किसी कंज्यूमर को चाहिए वो राइट गुड्स रहते हैं। किसी भी कंज्यूमर के लिए राइट गुड्स कौन सा है? जो उसको उस समय कंज्यूम करना है, जिस गुड्स की है ना जरूरत उसको है, जिस सर्विस की उसको जरूरत है, गुड्स की जरूरत है, वो सर्विस उसके लिए राइट रहती उस मोमेंट पे। एक ही गुड्स हमेशा आपके लिए राइट होंगे ऐसा भी नहीं, उसको कंजम्पशन का पीरियड कंप्लीट हो गया, उस गुड्स को कंज्यूम कर लिया तो उसके बाद वो गुड्स आपके लिए राइट नहीं रहे। एक बार उसने आपको सेटिस्फाई कर दिया, आपने कंज्यूम कर लिया, उसको यूज कर लिया, आपकी नीड खत्म हो गई उससे रिलेटेड, तो वो गुड्स राइट नहीं है, है ना। तो राइट गुड्स कौन से है? तो राइट गुड्स वो है
जब तक आपकी नीड है और उस नीड को सेटिस्फाई कर रहा है वो गुड्स, वो राइट है आपके लिए. तो पहली बात, देन इट इज इम्पोर्टेंट दैट द राइट गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू द राइट पर्सन. राइट पर्सन को राइट गुड्स डिलीवर करना मतलब जिस गुड्स की जिस पर्सन को जरूरत है उसको वो डिलीवर करना एट द राइट प्लेस, सही जगह पर, है ना. वो जहां पर है कंज्यूमर वहां तक उसको डिलीवर कर देना वो गुड्स, बराबर है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा, एट द राइट टाइम और जब उसकी नीड है उसको, है ना, जब जरूरत है. ऐसा नहीं कि आपके गुड्स तब पहुंच रहे जब उसकी जरूरत ही खत्म हो गई, उसकी जरूरत खत्म हो गई तब जाके आपके गुड्स पहुंच रहे हैं. अभी बारिश का सीजन है ना, छाता किसी इंडिविजुअल तक तब पहुंच रहा है, उसके मार्केट तक तब पहुंच रहा है, या मार्केट में छाता अवेलेबल तब हो रहा है जब बारिश का सीजन ही खत्म हो गया. तो अब ये राइट टाइम पर पहुंचे क्या गुड्स? नहीं. प्लेस सही था, कंज्यूमर भी सही था, सब कुछ सही था, लेकिन टाइम गलत था. ये सब भी मैच करना चाहिए, है ना. जब जरूरत है तभी वो गुड्स, यानी कि राइट टाइम पर वो गुड्स पहुंचने चाहिए, जिसको जरूरत है उसके पास पहुंचने चाहिए, यानी कि राइट पर्सन के पास पहुंचने चाहिए. उस पर्सन को जिस गुड्स की जरूरत है वही गुड्स पहुंचने चाहिए, यानी राइट गुड्स जो है वो पहुंचने चाहिए, एंड एट राइट प्राइस. कोई भी प्राइस पे परचेस करता क्या कंज्यूमर? वो तो उसी प्राइस पे परचेस करेगा जितनी कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी उसके पॉकेट को जितना भी सुटेबल है उतनी प्राइस में वो परचेस करेगा. तो सुटेबल प्राइस पर भी आपको बेचना है, यानी कि राइट गुड्स डिलीवर करने हैं, राइट पर्सन को डिलीवर करने हैं, राइट प्लेस पर डिलीवर करने हैं, राइट टाइम पर डिलीवर करने हैं और राइट प्राइस होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स डिलीवर करने हैं. नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है उसने, दिस ऑल फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स. और ये जो ट्रांसपोर्ट के फंक्शंस है मतलब डिलीवर करने के फंक्शंस है गुड्स को, प्रोड्यूस होने के बाद सब कुछ किसके हाथ में है? कॉमर्स के हाथ में. प्रोडक्शन तक किसके हाथ में है? इंडस्ट्री के हाथ में. गुड्स प्रोड्यूस करने तक का काम किसका? इंडस्ट्री का. एक बार गुड्स प्रोड्यूस हो गए तो वो वहां से कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम किसका है? कॉमर्स का, है ना. ट्रांसपोर्ट कहां पर आता? कॉमर्स में. कॉमर्स का काम क्या है? ट्रेडिंग करना. क्या काम है? ट्रेडिंग करना, यानी कि गुड्स को परचेस और सेल करना, बराबर है. तो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, प्रोडक्शन करेगी इंडस्ट्री, और वो प्रोडक्शन को डिलीवर करने का काम, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा? ट्रेड करने का काम कौन करेगा? कॉमर्स, है ना. द टर्म कॉमर्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इंक्लूडिंग ऑल दोज एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट ट्रेड सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजमेंट. अभी देखो क्या है, तो कॉमर्स टर्म किसको रेफर करती है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी किसको बोलते हैं? ट्रेडिंग. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया? ट्रेडिंग. एक वर्ड में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग, है ना. तो कॉमर्स किसको रेफर करती? तो ट्रेडिंग को रेफर करती, इंक्लूडिंग ऑल दोज एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट ट्रेड. कॉमर्स में वो सभी एक्टिविटीज आती है जो एक्टिविटीज ट्रेड को सपोर्ट करती या ट्रेड को फैसिलिटेट करती. बिजनेस सर्विसेज सीख लोगा अपन, बिजनेस सर्विसेज पढ़े पिछले साल. ये बिजनेस सर्विसेज क्या है? ये ट्रेड को फैसिलिटेट करते, ट्रेड को सपोर्ट करते, है ना. बैंकिंग सर्विसेज ट्रेडिंग को सपोर्ट करती, फाइनेंस प्रोवाइड करती. दूसरा पेमेंट करने का काम जो है वो बैंकिंग सर्विसेज करती, है ना. ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ई बैंकिंग सर्विसेज आपको हेल्प करेगी, ये दूसरी सर्विस है, है ना. ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे? गुड्स को ट्रेड करना है आपको, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, इंडस्ट्री से गुड्स को उठाना है, मार्केट में पहुंचाना है. तो ट्रांसपोर्ट जो है ये भी किसको सपोर्ट कर रहा है? ट्रेड को. इंडस्ट्री से गुड्स कहाँ पर लेके आ रहा है? फाइनल कंज्यूमर जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ पर, है कि नहीं. इंश्योरेंस जो है वो क्या कर रहा है? गुड्स को इंश्योर कर रहा है, मतलब अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट में लॉस हो जाते हैं तो फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, बराबर है. उसको इंश्योर करने का काम कौन कर रहा है? इंश्योरेंस कर रहा है. ये सभी क्या है? ये ऐसे बिजनेस सर्विसेज है जो ट्रेड को सपोर्ट करते. ये किसको सपोर्ट करते? ये बिजनेस को, यानी कि ट्रेड को, कॉमर्स को सपोर्ट करते. द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कॉमर्स इज टू रिमूव द हिंड्रेंसेस. हिंड्रेंसेस मतलब क्या है? हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, एक्सचेंज एंड नॉलेज इन कनेक्शन विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स अंटिल दे रीच टू द कंज्यूमर्स. पहली बात, जो डिफिकल्टीज है, कॉमर्स क्या करता? कॉमर्स का प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? जो डिफिकल्टीज है, हिंड्रेंसेस मतलब क्या है? डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स, है ना, या ऑब्स्टेकल्स जो क्रिएट हो सकते हैं गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने में, गुड्स को इंडस्ट्री से मार्केट में पहुंचाने में, है ना, या फिर प्लेस के जो
हिंड्रेंसेस है, मतलब सही समय पे सही जगह पे गुड्स पहुंचाने में जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो सकते हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना, उन सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव करना, ये काम किसका है? कॉमर्स का, है ना। ताकि क्या हो सके कि सही पर्सन तक गुड्स पहुंच सके, सही प्लेस पर गुड्स पहुंच सके, सही टाइम पर पहुंच सके, है ना। ये सारी चीजें जो है सही समय पे सही पर्सन के पास सही टाइम पर सही प्राइस पर गुड्स पहुंच सके, इसमें कोई ऑब्स्टेकल ना आए, तो उस ऑब्स्टेकल को रिमूव करने का काम किसका है? कॉमर्स का है। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या, कॉमर्स और इंडस्ट्री में क्या है, और कॉमर्स में कौन सी सर्विसेज आती है, या कॉमर्स को सपोर्टिव सर्विसेज कौन सी है, है ना। बैंकिंग, ई बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ क्या है? ये सपोर्टिव सर्विसेज है जो कॉमर्स को सपोर्ट करती, जो ट्रेडिंग को सपोर्ट करती, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को सपोर्ट करती। अलग अलग शहर, तो आवाज निकलने को ना कि नहीं, खाना वाना खा के आए होंगे ना, खाना नहीं खाया? अरे एक टाइम आएगा संध्या, बिल्कुल खाना खा के आए होंगे ना, तो थोड़ा आवाज निकालो, तो मेरे को भी समझ में आता, आपको समझा कि नहीं समझा। तो ये हुआ आपका कॉमर्स का या फिर बिजनेस का मीनिंग, और इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच का बेसिक डिफरेंस, है ना। वैसे फंक्शंस बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन बेसिक फंक्शन जो है वो यही है कि इंडस्ट्री किस पर फोकस करती, प्रोडक्शन पर। और कॉमर्स में भी कई सारे फंक्शन है, लेकिन बेसिक फंक्शन क्या है या प्राइमरी फंक्शन क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता प्रोडक्शन को, ठीक है। कॉमर्स की दो डेफिनेशन है आपके सामने। पहली डेफिनेशन है प्रोफेसर इवलिन थॉमस की, है ना, प्रोफेसर इवलिन थॉमस क्या बोलते हैं, देखो डेफिनेशन जो है वो परफेक्टली समझो। डेफिनेशन आपको एक से दो डेफिनेशन लिखनी है, पिछले साल कैसा था, आपको एटलीस्ट एक डेफिनेशन लिखनी थी, है ना। आप यहाँ पे दो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन अगर एक्सपांड करना है तो आप क्या करेंगे, दो डेफिनेशन लिख देंगे, तीन डेफिनेशन लिख देंगे, है ना, एक खुद की भी डेफिनेशन लिख देंगे, जो भी खुद को समझ में आया वो भी डेफिनेशन के तौर पे लिख दिया है कि नहीं, नाम का शॉर्ट फॉर्म कर लेना। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर इवलिन थॉमस, कमर्शियल ऑक्यूपेशंस डील विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कमर्शियल ऑक्यूपेशंस क्या करते हैं, तो डील करते हैं, किस में डील करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब जो ऑक्यूपेशंस कॉमर्स के फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं, कॉमर्स का रोल प्ले करते हैं, ऐसे ऑक्यूपेशंस किस में डील करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अभी सिर्फ गुड्स आती क्या, तो कॉमर्स का काम है सर्विस को भी, सर्विस भी प्रोड्यूस होती ना, सर्विस भी क्रिएट की जाती ना, तो उस सर्विस को भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, लेकिन उसके जो मींस है वो अलग है, सर्विस जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाई जा सकती है। इसलिए बात किसकी की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की, क्योंकि उनको एक जगह से, एक प्रोडक्शन हाउस से मार्केट तक पहुंचाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसमें कई सारी प्रोसेसेस जो है वो लग जाती। तो कमर्शियल ऑक्यूपेशंस डील विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, कमोडिटीज का एक्सचेंज। तो पहला काम है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दूसरा कमोडिटीज को एक्सचेंज करना, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, और फिनिश प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ जाके करेंगे फिनिश प्रोडक्ट का, डायरेक्ट कंज्यूमर के घर पे जाएंगे क्या, फैक्ट्री से निकला और डायरेक्ट कंज्यूमर के घर पे, मालूम है क्या कंज्यूमर कौन है, नहीं होना चाहिए, दरवाजा जो बस दरवाजा तोड़ा मार देता है कि नहीं, वो चलता गया नहीं। कंज्यूमर फिनिश प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना फिनिश प्रोडक्ट का, उस प्लेस पर जाके जहाँ पे कंज्यूमर एक जगह आता है, या कंज्यूमर उस पर्पज से आता कि वो प्रोडक्ट को परचेस कर सके फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन, ठीक नहीं, तो वो प्लेस कौन सा है, उसको बोलते हैं मार्केट। वो प्लेस कौन सा है, मार्केट। ये मार्केट है जहाँ पे कंज्यूमर आता, वो अपना बिहेवियर बता के जाता, उस बिहेवियर के एनालिसिस के बेसिस पर ही ये प्रोडक्शन जो है वो बन के आया हुआ है ना। तो मार्केट अगर नहीं है तो कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं समझ में आता, कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसकी नीड क्या, ये समझ में नहीं आती, कंज्यूमर की नीड समझी नहीं तो कुछ भी प्रोडक्ट बना के लेके आए तो कंज्यूमर परचेस करने वाला है क्या, ऐसा आएगा जबरदस्ती नहीं आता, आम्ही प्रोडक्शन केलं तुम्हाला परचेस करावंच लागते म्हणून, ऐसा आएगा नहीं है। प्रोडक्शन कैसे बनाती कंपनी, तो प्रोडक्शन का डिसीजन कंपनी कंज्यूमर के बिहेवियर से लेती जो मार्केट में देखने को मिलता, और वहीं पे जाके प्रोडक्शन को बेचती। तो प्रोफेसर इवलिन थॉमस ने क्या बोला कि कमर्शियल ऑक्यूपेशंस डील विद, द फर्स्ट थिंग इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, द सेकेंड थिंग इज एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, एंड द थर्ड थिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तीन काम करता कमर्शियल ऑक्यूपेशन, क्या करता,
buying and selling of goods, exchange of commodities, distribution of finished products, है ना. पहला काम क्या है, buying and selling of goods. दूसरा commodities. तीसरा distribution of finished products. ये तीन काम जो भी occupation करता है उसको commerce बोलते हैं, ये नहीं. ये तीनों काम जो भी ऑक्यूपेशन करेगा, जो भी कमर्शियल ऑक्यूपेशन करेगा वो क्या है, कॉमर्स. डेफिनेशन समझ में आई क्या? कोई डिफिकल्टी है क्या डेफिनेशन में? कई प्रश्न? पूरी सी डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेम्स स्टीफनसन, है ना, प्रोफेसर जेम्स स्टीफनसन क्या बोलते हैं, कॉमर्स इज द सम टोटल. इन्होंने क्या बोला, कॉमर्स को सम टोटल है. अभी किसका, ऑफ दोज प्रोसेसेस, नंबर ऑफ प्रोसेसेस की सम टोटल है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस की एडिशन है, वेरीज है, ठीक है नहीं, विच आर एंगेज इन रिमूवल ऑफ द हिंड्रेंसेस, इसको बोलेंगे ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स ऑफ पर्सन, यानी कि ट्रेड में जो आने वाले ऑब्स्टेकल्स है, प्रॉब्लम्स है, उनको रिमूव करने वाली प्रोसेस है. प्लेस में ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, देखो जो ब्रैकेट में दिया गया है वो क्या है, सॉल्यूशन है, वो क्या है, सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का. देखो पर्सन, पर्सन के लिए प्रॉब्लम आता, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक प्रोडक्ट पहुंचाना हो या किसी इंडिविजुअल तक प्रोडक्ट पहुंचाना हो, है ना, तो प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कौन करेगा, ट्रेड, बराबर. तो पर्सन से रिलेटेड अगर कोई ऑब्स्टेकल्स है, प्रॉब्लम्स है कमर्शियल एक्टिविटीज में, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ट्रेड. दूसरा प्लेस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल है, तो प्लेस से रिलेटेड प्रॉब्लम या जो सवाल है उसका जवाब क्या है, ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स जो है वो पहुंचा सकते हैं, इजीली पहुंचा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट. उसके साथ ही इंश्योरेंस, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अंदर गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने का, चोरी होने का डर रहता है ना, तो गुड्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से फाइनेंशियल लॉस हो सकता जो भी डीलर है उसको, तो उस डीलर को, मतलब उस पर्सन को, उस डीलर को फाइनेंशियल लॉस से बचाने के लिए इंश्योरेंस है जब ट्रांसपोर्ट में गुड्स तब. तीसरा है टाइम, है ना, जो टाइम की प्रॉब्लम है, मतलब कि जब जरूरत है तभी उस गुड्स को, तभी उन गुड्स को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. मान लीजिए अगर वेयर हाउसिंग है ही नहीं तो समय पर आपको सीजनल गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, समय पर सीजनल गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो सीजनल गुड्स समय पे प्रोड्यूस करने की वजह से क्या हो सकता है कि सही समय पे अगर प्रोडक्शन साइकिल बड़ी है तो सीजन निकल जाएगा, प्रोडक्शन चालू है तो सीजन निकलने के बाद उस प्रोडक्शन का कोई मतलब रहता क्या, नहीं. दूसरी बात, अगर कोई ऐसे गुड्स है या फिर आपने प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कर दिया कि उस सीजन में वो बेचा ही नहीं गया, आपके पास स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो आप कहाँ पे स्टोर करेंगे उसको, वेयर हाउस में, अगले साल उसको बेच सकते, टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना आपका, कि इस सीजन में पूरा बेचा नहीं गया तो अगले सीजन में बेचो, तो अगले सीजन तक उसको स्टोर कैसे करेंगे ताकि उसकी क्वालिटी खराब ना हो, वेयर हाउस, ये सॉल्यूशन हो गया. इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, अब कमोडिटीज को एक्सचेंज करने का सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करता, बैंकिंग सिस्टम. कमोडिटीज समझता ना, कमोडिटीज बोले तो कमोडिटीज मंजिला कमोडिटीज का मतलब क्या है. फिर ये मैंने क्या बोला, पहले डेफिनेशन में कमोडिटीज आया, मेरे को लगा आपको समझता है ना, आपको नहीं समझा, मैंने बोला कि भाई समझ में आया क्या, आलस है लक्षण है कि नहीं, लेकिन एक्चुअली समझ में आया था क्या कमोडिटीज, नहीं. कमोडिटीज किसको बोलते हैं मालूम, नहीं. पिछले साल सीखे नहीं क्या, सीखे, याद है क्या, नहीं. कमोडिटीज का मतलब है ऐसी चीज जो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है. अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए क्या जरूरी है, पैसा क्या है, मनी, करेंसी जो है, करेंसी कमोडिटी में आती ना, रुपीस करेंसी है, कमोडिटी मार्केट में आती, बराबर है. पहले कमोडिटी क्या थी, पैसा ना होता त्यावेळेस काय करत होते तुम्ही,
किसी एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते थे, वस्तु विनिमय मराठी में बनता था, है कि नहीं? ठीक है नहीं, तो एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते थे, तब वो कमोडिटीज थी। कमोडिटीज जो है वो क्या करती है, गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए काम आती है। आप अगर किसी से गुड्स परचेस कर रहे हो तो उसके बदले में उसको कमोडिटी दे रहे हो, लेकिन आप उसको कमोडिटी ना बोलते हुए क्या बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, मैंने इसको पैसे दिया, मैंने इसको क्या दिया, पैसे दिया, ठीक है नहीं? ये क्या हो गई, ये कमोडिटी हो गई। ये एक ऐसी कमोडिटी है जो एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होती है। जो किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, एक्सचेंज के लिए। आपने किसी से गुड्स परचेस किए तो एक्सचेंज में आप उसको कुछ देंगे, वो दी आपने कमोडिटी, उस कमोडिटी को हम बोलते हैं पैसा, है ना, रुपीज। हमारे यहाँ क्या है वो, रुपीज। यूएसए में गए तो अमेरिकन डॉलर है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया में गए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूरोप में गए तो यूरो है। ये कमोडिटीज है, ये क्या है, ये कमोडिटीज है। कमोडिटीज स्पेशली किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, फॉर द एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज पर्पज के लिए कमोडिटी का इस्तेमाल होता है। तो जो एक्सचेंज पर्पज के लिए यूज हो रही है वो है कमोडिटी, जो एक्सचेंज पर्पज के लिए यूज हो रही है वो कमोडिटी। और हम क्या यूज करते हैं, पैसा एक्सचेंज पर्पज के लिए, गुड्स के बदले में उसके एक्सचेंज में पैसा देते उसको, उक्ता दी उन देगा तो फ्री में देके जाता क्या वो, या फिर भाई आपको गुड्स दे रहा खाना खा के जाता क्या अपने यहाँ से, वो चलता क्या नहीं। एक सर्टन कमोडिटी जो है वो देनी पड़ती, स्पेसिफिक कमोडिटी जो है वो देनी पड़ती, बराबर है? आज कुछ भी दिया तो चलता क्या नहीं चलता। इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, और कमोडिटीज के एक्सचेंज का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, बैंक के पास, है ना। पैसा कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। तो प्रोफेसर जेम्स स्टीफनसन ने क्या बोला, तो जेम्स स्टीफनसन बोलते हैं ये सभी प्रॉब्लम्स जो है, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, या इन सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने वाला, इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने वाली जो प्रोसेसेस है, उन सभी प्रोसेसेस की सम यानी कि कॉमर्स है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यानी कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, ये सभी ऐसी प्रोसेसेस है जो आपको ट्रेडिंग में आने वाली जो ऑब्स्टेकल्स है, या फिर आप बोलेंगे कि भाई कॉमर्स में आने वाले जो ऑब्स्टेकल्स है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में आने वाले जो ऑब्स्टेकल्स है, इनको दूर करने में हेल्प करती है सभी प्रोसेसेस। तो इन सभी प्रोसेसेस की जो सम टोटल है उसको बोलते हैं कॉमर्स। इन सभी प्रोसेसेस की सम टोटल क्या होगी, कॉमर्स। तो कॉमर्स में ये सभी प्रोसेसेस आती है, ट्रेड आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, है ना। ये सब काय में आता, ये कॉमर्स में आता। ये सभी क्या है, इन सब की टोटल जो है वो है कॉमर्स। इन सब की टोटल है कॉमर्स। डेफिनेशन समझ लीगा, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो ऐसा नहीं होने को ना कि भाई प्रॉब्लम है फिर पूछा नहीं, फिर आपने सवाल पूछा तो हमको वो भी नहीं आता। देखो आगे, फर्दर ही ऑब्जर्व्स दैट कॉमर्स कवर्स नॉट ओनली, एक मिनट, चलो देखो।
देखो, फर्दर ही ऑब्जर्व्स दैट कॉमर्स कवर्स नॉट ओनली फंक्शंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स बट ऑल्सो मेनी सर्विसेज विच मस्ट बी प्रोवाइडेड टू फाइनेंस इंश्योरेंस स्टोर एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ एक्सचेंजेस. मतलब पहले जब जेम्स स्टीफनसन ने स्टडी किया तो उसको ये समझ में आया, पहले जनरल जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन था वो क्या था कि भी कॉमर्स किस चीज से डील करता है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. लेकिन उसने फर्दर उसको स्टडी करने के बाद उसको ये समझ में आया कि कॉमर्स कवर्स नॉट ओनली फंक्शंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स. कॉमर्स सिर्फ गुड्स को हैंडल करने का या परचेस या सेल करने का काम नहीं करता है ना, बट ऑल्सो मेनी सर्विसेज विच मस्ट बी प्रोवाइडेड है ना. लेकिन उसके अलावा भी कई सारी ऐसी सर्विसेज है जो कॉमर्स में इंक्लूड होती है. मतलब बाइंग एंड सेलिंग में बाइंग एंड सेलिंग को और ज्यादा ईजी बनाने का काम करती है ना. ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आप लोकल बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते. बिना ट्रांसपोर्ट के आप अपने गुड्स का प्रोडक्शन एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते ना. एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी. मतलब उसने यही देखा कि भाई गुड्स को इजीली कैरी करना, इजीली ट्रांसपोर्ट करना, गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए उसको रेडी करना, नंबर ऑफ सोर्सेज जो है उनको इंक्रीज करना फाइनेंस के है ना. रॉ मटेरियल जहाँ से परचेस किया या फिर गुड्स अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको फाइनेंस की जरूरत, पेमेंट की जरूरत पड़ेगी. ये पेमेंट सर्विसेज जो है वो इजी करना, ये बैंकिंग का ई बैंकिंग का काम है. तो उसने ये देखा कि गुड्स को हैंडल करना और बाइंग एंड सेलिंग करना, इसके अलावा कई सारे फंक्शंस है जो गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है ना, जो कॉमर्स में आते. वो फंक्शंस कौन से हैं? फाइनेंस, इंश्योरेंस, स्टोर, ट्रांसफर ऑफ गुड्स है ना, इन कोर्स ऑफ एक्सचेंज. ये सभी पर्पस किस चीज के लिए? एक्सचेंज के पर्पस के लिए. गुड्स बेचना है, पैसे कमाने है ना, गुड्स बेचना है, पैसे कमाने. इन सभी फंक्शंस का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज. आगे, दस कॉमर्स लिंक्स सप्लायर्स एंड कंज्यूमर्स बाय मींस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. तो कॉमर्स क्या करता, सप्लायर जो है गुड्स का सप्लाई करने वाले सप्लायर्स और जो कंज्यूमर है फाइनल कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, इन दोनों को लिंक करने का काम कौन करता? कॉमर्स करता. ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. कॉमर्स में जो ट्रेड है वो ट्रेड किस से डील करता? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से. कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड है ना. अब ये जो है कॉमर्स, कॉमर्स के दो पार्ट. कॉमर्स में ट्रेड आता, ट्रेड डील करता किससे? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. अब ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को जो सपोर्ट देते वो कौन है? एड टू ट्रेड. वो कौन है? एड टू ट्रेड. मतलब ट्रेड को सपोर्ट देने वाली सर्विसेज, इस ट्रेड को सपोर्ट देने वाली सर्विसेज. तो कॉमर्स में आता ट्रेड और एड टू ट्रेड. ट्रेड इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप एक्सेट्रा. विदाउट द हेल्प ऑफ सच एजेंसीज इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और ये सभी एजेंसीज ऐसी है जो एड टू ट्रेड है ना, ट्रेड को सपोर्ट करती. और इन सभी एजेंसीज की हेल्प के बगैर आप ट्रेड नहीं कर सकते. कर सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं. देखो, कोई भी एक एजेंसी निकाल लो और फिर सोचो कि गुड्स को प्रोडक्शन कैसे करना है, गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे. बैंक निकाल लो, बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है? इतना बड़ा होता क्या बिजनेस? समय समय पे हर बार प्रोडक्शन के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत है. पहला प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर लिया, पहला प्रोडक्शन हो गया तो इसका मतलब ये है क्या, इधर से प्रोड्यूस किया और उधर बेचा जाएगा और पैसा छूट जाएगा? नहीं, नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए आपको बैंक के पास ही जाना है फाइनेंस के लिए है ना.
तो बैंक फाइनेंस अगर नहीं करेगी तो भी आप रुक जाते हैं। बैंक फाइनेंस नहीं कर रही, चलो ठीक है हम दूसरे सोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पेमेंट सर्विसेज जो है, ये आप पेमेंट रिसीव करने की सर्विसेज जो है, ये बैंक अगर नहीं दे रही तो फिर क्या करेंगे आप? आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसका इंटरेस्ट अगर बैंक रिसीव नहीं कर रही है, वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं कर रही, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट है। डिविडेंड कौन कलेक्ट करता? बैंक कलेक्ट करती। पढ़ाऊंगा आपने तो डिविडेंड कौन कलेक्ट करता? बैंक कलेक्ट करती। बैंक एक ही काम नहीं करती, पैसा दे देंगी, बैंक कई सारे काम करती आपके बिजनेस को ईजी बना देंगी। नहीं तो पेमेंट देने के लिए उठे सुठे यहाँ से दिल्ली मुंबई चले पेमेंट देने को, क्यों? बैंक तो दे नहीं रही सर्विस। फिर रॉ मटेरियल आया, पहले पेमेंट करके करने को चले गए, दो दिन उधर लग गए, रॉ मटेरियल की ऑर्डर दी, दो तीन दिन उसको लग गए, पाँच दिन या एक वीक जो है पूरा वेस्ट हो गया। प्रोडक्शन एक वीक के बाद ही कंप्लीट करके देना था, पहला वीक वेस्ट हो गया। अगले बार वो जिसने आपको प्रोडक्शन करने के लिए है ना ऑर्डर दिया था कि भाई मेरे को 1000 चेयर्स का प्रोडक्शन करके दो, वो अगली बार आपके पास आता ही नहीं। मतलब तो बहुत स्लो प्रोसेस है, इनको बोला एक हफ्ते में प्रोड्यूस करके दो, पहला हफ्ता तो इन्होंने टाइम पास करने में ही लगा दिया। अब उसको क्या मालूम कि अपनी बैंक सर्विस ही नहीं दे रही या हमारे पास बैंकिंग सर्विसेज ही नहीं है, हो गया ना बिजनेस ठप, बिजनेस नहीं चलता। ट्रांसपोर्ट नहीं है तो गुड्स आप वहीं के वहीं बेचेंगे, बड़े नहीं बन सकते। बड़े बन सकते क्या? गुड्स को जहाँ प्रोड्यूस किया वहीं बेचो, जहाँ प्रोड्यूस किया वहीं बेचो। ट्रांसपोर्ट है तो गुड्स एक जगह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेचते आते हैं ना, इधर कन्याकुमारी में प्रोडक्शन करो उधर कश्मीर तक बेचो, कश्मीर का को उधर यूरोपियन कंट्रीज तक बेचो, ट्रांसपोर्ट है। तो ये सर्विसेस ऐसी है जो एड टू ट्रेड है, ट्रेड के लिए सपोर्टिव सर्विसेज है। बिजनेस इतने बड़े अगर हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज अगर बनी है तो इन सर्विसेज के सपोर्ट से ही बनी है, वैसी नहीं बनी, अकेले को कहीं नहीं जाते आता है ना। अकेला ज़्यादा भले ही आप स्पीड से निकल जाएंगे अकेले है तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, खत्म ही होना पड़ता है, बराबर है, तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो कॉमर्स अकेला नहीं चलता, कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज चलती। ये पिछले साल भी पढ़ा आपने, ये इस साल भी पढ़ रहा है। कॉमर्स इज इक्वल्स टू ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड है ना, कॉमर्स इज इक्वल्स टू ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड, तो ट्रेड और एड टू ट्रेड मिला के कॉमर्स बनता। समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया क्या? कोई डिफिकल्टी है क्या? कोई प्रॉब्लम आएगा कोनाला?